भी नहीं भूलेगा। अब शिव को पराजित करने की बारी है। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, ज्ञात नहीं क्या हुआ था मुझे। मेरी रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। इसमें आपका कोई दोष नहीं है गरुड़ जी। चलिए इस समस्या को मैं एक ही बार में समाप्त करता हूँ। जी प्रभु। क्या होगा नारायण के प्रहार का परिणाम? श्रेष्ठ कांत कभी नहीं हो सकता, ये कदापि संभव नहीं है। नारायण ने जलंधर के तन को अनेकों भागों में खंडित कर दिया और गरुड़ पर उसके सिद्धि प्रभाव को भी दूर कर दिया। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि संकट अभी पूर्ण रूप से टला है इंद्रदेव। किंतु गणेश जी, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। उधर देखिए, जलंधर का तन अनेकों भागों में खंडित होकर पृथ्वी पर पड़ा। संकट टल चुका है, उसका अंत हो चुका है। किंतु गणेश, जलंधर की मृत्यु तो पिताश्री के हाथों होनी है, तो फिर ये कैसे संभव है? असंभव है ये। गरुड़ जी, अब समय आ गया है प्रस्थान करने का। अब यहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए। जलंधर का हाथ पुनः गतिमान कैसे हो रहा है? जलंधर पुनः जीवित कैसे हो रहा है? प्रिय बलश्रेष्ठ भगवान है, मैं उनकी शक्ति हूँ और उनकी शक्ति उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हो सकता। ये हो क्या रहा है? जलंधर के खंड तंग अभी तक जीवित कैसे? जलंधर का अंत पिताश्री के हाथों ही नियत है, किन्तु ये मामा जी को ज्ञात नहीं।
यदि जलंधर पुनर्जीवित हुआ तो मैं उसका वध पुनः करूंगा। मुझे मामा जी को ये बताना ही होगा कि जलंधर का वध उनके द्वारा नियत नहीं, अन्यथा वो बार बार जलंधर का वध करते रहेंगे और वो दुष्ट पुनर्जीवित होता रहेगा। मामा जी सुनिए। गणेश तुम यहाँ? मामा जी मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। हाँ जलंधर पिताश्री की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए पिताश्री के हाथों ही उनका वध संभव है। इस अवस्था में तो हमें महादेव के पास ही चलना चाहिए। तुम चलो मैं आता हूँ। देखो मैं अभी भी जीवित हूं और मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। ये तो गरुड़ जी को नीचे खींच रहा है। अति की तो कोई सीमा ही नहीं छोड़ी इस दुष्ट ने, जो अब ये मामा जी के वाहन गरुड़ जी को भी आहत करने का प्रयास कर रहा है। प्रभु मेरे भ्राता को क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहा है ये दुष्ट। क्या भागोगे नारायण? तुम्हारे इस वाहन को नीचे खींच के ले जाऊंगा नारायण। प्रभु जलंधर छोड़ दो गरुड़ जी को, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये तो कदाचित उससे विपरीत है जो मैंने जलंधर से कहा था। अब उस मूर्ख के बचाव का कोई मार्ग नहीं। नारायण के वार से मेरा अंत तो कदापि नहीं हो सकता, किंतु यदि मैं आहत भी हुआ तो नारायण को उसके वाहन से मुक्ति दिलाने के सुनहरे अवसर को गवा बैठूंगा मैं, जो भगवान सर्वश्री जलंधर कभी नहीं मिलेगा। बस जलंधर अब तुम्हें रोकना ही होगा मुझे। प्रभु ओ नारायण प्रणाम। माँ माता काली ये देवी कहां से उत्पन्न हो गई? देवी महाकाली का क्रोध तो अत्यंत विनाशक होगा। आज कंपन क्यों आ रहा है मेरे हाथ? दुःख निवारिणी हे सर्व मंगल कारिणी हे चक्र
करती तू जलंधर। ये माता काली रुक क्यों गई? हाँ, स्तब्ध रह गई है देवी मुझे देखकर। चढ़ोगे पांव इस देवी के, असमर्थ है आगे बढ़ने में, मुझ पर वार करने में। आओ काली, मुझे शिव समझने की भूल कर बैठी हो क्या? कोई बात नहीं, उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। किंतु देवी, मैं शिव नहीं, उससे भी महान मानतम भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। मेरे स्वामी, जगत पिता महादेव से अपनी तुलना करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने अहंकारी असुर? आओ काली आओ, देख रहे हो शिव, शरणागत बनने आ रही है तुम्हारी देवी। शर्म नहीं, कदाचित आक्रमण करने आ रही है ये। कोई बात नहीं, आक्रमण कैसा भी हो, विजय तो मेरी होगी। कोई भी स्त्री ये कदापि सहन नहीं करेगी कि कोई अन्य पुरुष उसके पति का स्थान लेने का प्रयास करे। महादेव से अपनी तुलना कर देवी काली के प्रचंड क्रोध को जागृत किया है जलंधर ने। स्वयं अपनी मृत्यु को ललकारा है, क्योंकि यदि एक नारी सहनशील होती है तो अन्याय का संहार करने के लिए अपनी अपार शक्ति का संचार भी कर सकती है। इसलिए देवी काली के द्वारा जलंधर का अंत अब निश्चित प्रतीत हो रहा है। स्वामी, आपकी ही क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है ये, और स्वयं को आपसे भी बड़ा समझने की उद्दंडता कर रहा है। इसका उचित दंड अवश्य प्राप्त होगा इसे। माँ, आप जलंधर को दंड अवश्य दे सकती हैं, किंतु उनका अंत तो पिताश्री के द्वारा ही संभव है। उठिए बलश्रेष्ठ, उठिए, अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, प्रमाणित कीजिए कि आप ही वास्तविक भगवान हैं। उठिए बलश्रेष्ठ। उठूंगा, अवश्य उठूंगा मैं। जलंधर, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर पर वार करने की बहुत बड़ी भूल की है तुमने।
दुष्ट का वध तो मैं ही करूंगी, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अत्यंत कुपित है देवी काली, इस समय उन्हें कुछ कहना उचित नहीं होगा। उनका अपराधी है जलंधर, जिसका दंड तो उसे प्राप्त होना ही चाहिए। जैसी आपकी इच्छा देवी। काले, तुम्हारे इस रूप से आतंकित नहीं हूं मैं, आज साधारण से नहीं भगवान सर्वश्री जलंधर हूं मैं। तुम नहीं, मैं करूंगा तुम्हारा भक्षण अपने विशेष अस्त्र से। तेरे इस पाप मुख से अब एक भी अनुचित शब्द का उच्चारण उचित नहीं है उद्दंड असुर, अब तेरा अंत निश्चित है। दुष्ट असुर, तेरी मृत्यु तेरी प्रतीक्षा कर रही है। मेरा नहीं, मेरे मार्ग में बाधा बनने वालों का अंत होगा आज। नहीं कर सकता मेरा कोई नहीं। ये क्या है, इनसे अपनी रक्षा कैसे करूं? तुम्हारी प्रत्येक वार का उपाय है मेरे पास। देवी होगी तुम, किंतु मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं। मूर्ख जलंधर, दया निधान है, न्यायप्रिय है महादेव। तू उनके प्रति अपराध पर अपराध करता गया और वो तुझे क्षमा करते गए, किंतु उनकी दया को उनकी दुर्बलता समझने की जो भूल तूने की है, उसका उचित दंड मैं दूंगी तुझे। तेरे साथ तेरी दुष्टता का भी अंत करूंगी मैं। माता काली के हाथों से भी दंड का भागी है ये दुष्ट, किंतु इनका अंत तो तभी होगा जब पिताश्री इनसे युद्ध करेंगे। जलंधर के अंत का आरंभ है ये, देवी काली का रोष उसे चीर के रख देगा। प्रिय भश्रेष्ठ का अंत तो असंभव है, क्योंकि मैं जीवित हूँ। ये देवी उन्हें ताड़ना कैसे दे रही है? कोई भी हो, कैसी भी शक्ति हो, मुझे पराजित नहीं कर सकती। ये क्या है, मुझे अपने पास में बांध लिया इसने। जलंधर, अब तुझे खींचते हुए ले जाऊंगी महादेव के पास क्षमा याचना करने। Ha 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 ha
भगवान सबसे जलंधर का सम्मान करा भी नहीं सोंगा। माता, जो नियति द्वारा निर्धारित है वो तो होकर ही रहेगा। उचित है बलश्रेष्ठ, उचित पाठ सिखाइए इसे। काले बस जलंधर, अब और अवसर नहीं दूंगी तुझे। देवी हो तो देवी बनी रहो, मुझे चुनौती देने का दुस्साहस मत करो। जलंधर नहीं, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। देवी काली से उलझकर जलंधर ने बहुत बड़ी भूल की है। संसार की समस्त शक्ति की स्रोत स्वयं आदि शक्ति की रौद्र रूप है वो, उनसे किसी का पार पाना असंभव है। माता ने भुजाहीन कर जलंधर को दंडित तो कर दिया, किंतु मैं उस क्षण की प्रतीक्षा में हूँ जब उनके अंत के साथ संसार इस संकट से मुक्त होगा। उस दुष्ट जलंधर को आभास तो अवश्य हो गया होगा कि भगवान तो क्या, वो तो उनके चरणों की धूल बनने के योग्य भी नहीं। देवी काली उचित दंड दे रही है जलंधर को। अरे मेरी पूजा, मेरी पूजा मेरे ही तन से विलग करती है। दुष्ट जलंधर, अपनी इसी भुजा से नारायण पर वार करने का अपराध किया था तुमने, तो लो तुम्हारी भुजा को तुम्हारे तन से विलग कर दिया है मैंने। अपने अहंकार में सृष्टि के चक्र को विपरीत दिशा में घुमाकर सृष्टि में व्याप्त जीवन को डसना चाहते थे ना तुम, तो अब जीवित ही लील जाऊंगी मैं तुम्हें। आहार बनाऊंगी अपना, आहार बनाऊंगी अपना, आहार बनाऊंगी अपना, आहार बनाऊंगी। कुछ करके निभा रहा हूं। चलो युद्ध करना तो युद्ध करो मायावनी, ये क्या कर रही हो? यार चेत है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। Yeah.
है देवी काली, उन्होंने जलंधर के महासंकट का अंत कर दिया। संकट अभी समाप्त नहीं हुआ, मुझे शंका है वो पुनः उभरेगा। ये नहीं हो सकता, मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ उस देवी के उदर में कैसे समा सकते हैं? साधारण असुर नहीं हूं मैं, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। अंत असंभव है मेरा, मुझे रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं। देखा, मुक्त हो गया, अभी गया अभी। ये तो माता काली के नियंत्रण से मुक्त हो गए, उनके उधर से बाहर आ गए। मुझे विश्वास था, जानती थी मैं कि मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ का कोई अहित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ये कैसे संभव है? माता बार बार आघात कर इसका वध कर रही है और प्रत्येक बार ये पुनः जीवित हो उठता है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? क्योंकि पिताश्री के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति जलंधर का वध नहीं कर सकती। पिताश्री, जलंधर आपकी ही क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है, इसलिए आप और एकमात्र आप ही उसका अंत कर सकते हैं। हाँ पिताश्री, यही सत्य है, एकमात्र आपके ही द्वारा जलंधर का अंत संभव है। मेरी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है तो मेरा क्रोध इसे दंडित करने का कारण बनेगा। अब मेरे और जलंधर के मध्य कोई नहीं आएगा। उचित है बलश्रेष्ठ, उचित पाठ सिखाइए इसे। तुम्हारा अंत समीप है। अंत मेरा नहीं, तेरा निश्चित है मूर्ख। तू आगे बढ़ा अवश्य है किंतु विजयी नहीं हो पाएगा। नमस्ते, 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 न
बस अब अंत हुआ तेरा। अब उचित दंड प्राप्त हुआ है इसे। कहा था ना मैंने, मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूँ। अनेकों असुरों का रक्त बहा चुकी हूँ मैं, कोई भी दुष्ट मेरे प्रहार से सुरक्षित कभी नहीं रहा। फिर इसका अंत क्यों नहीं हो रहा है? देखो, व्यर्थ हो गए ना तुम्हारे समस्त प्रयास, पुनः कुशल हूँ मैं। किंतु अब तुम्हें कुशल नहीं रहने दूंगा मैं। मेरी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है ये, तो मेरा क्रोध ही से दंडित करेगा। अब मेरे और जलंधर के मध्य कोई नहीं आएगा। हाँ पिताश्री। I'm
वही होने जा रहा है जिसकी आशंका सता रही थी मुझे। महादेव का उनकी ही क्रोधाग्नि से उत्पन्न जलंधर के साथ महायुद्ध। गाली, अब तेरा अंत होगा। मेरा अंत करेगा दुस्साहसी। तेरा। यागात भीषण है, कितना रक्त बह रहा है इस घाव से। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बच गया। किंतु तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? बस बात उत्पात मचा लिया, बात क्रीड़ा कर ली मेरे साथ, कभी ऊपर कभी नीचे। अब तुम्हारा अंत समीप है। ये कैसा विस्फोट था? बैल पर आरूढ़ कौन आ रहा है यहाँ? अवश्य शिव ही है। प्रणाम महादेव। प्रणाम देवी काली। आप इसको इसका दंड दे चुकी हैं। अब मेरे हाथों इसका अंत शेष है, इसलिए आपको यहां से प्रस्थान करना ही उचित है। उचित है महादेव। शिव आओ, बहुत प्रतीक्षा कराई तुमने, ये उचित है, ये सर्वथा उचित है। स्वयं शिव मेरे समक्ष, अब सारी क्रीड़ा संपन्न हुई। यह वास्तविक युद्ध जिसके पश्चात समस्त संसार, सभी देवता, गदर, यक्ष, किन्नर मेरे सामने, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर के समक्ष नतमस्तक होंगे। आओ शिव, मुझे लड़काना था। कराओ कराओ मुझसे युद्ध। मैं गैराज के निकट भी नहीं जाऊंगा और महादेव से कभी युद्ध नहीं करूंगा। जलंधर दंभी मूर्ख, तुमने वचन दिया था मुझे महादेव के समक्ष कभी नहीं जाओगे और वही कर बैठे तुम। नहीं भजरेश, ये उचित नहीं है। शिव के समक्ष नहीं जाना था आपको। Oh,
जलंधर, मैं तुम्हें अवसर पे अवसर देता चला गया, किंतु तुम अपराध पर अपराध ही करते रहे। क्या थे तुम्हें इसका परिणाम? परिणाम इसका एक ही परिणाम है, हरी जय, हरी विजय, हरी जय, हरी विजय। कोई नहीं टिक सका मेरे समक्ष, ना तुम्हारा नारायण, ना तुम्हारी वो काली। इसलिए विवश होकर तुम्हें मेरे समक्ष आना पड़ा, मुझसे युद्ध करने। इसका अहंकार समाप्त नहीं हुआ। शिव पूर्व में ही आते तो मैं नारायण और देवी काली को इतना अपमानित नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें इतना तो ज्ञात हो गया कि मैं कौन हूं। नवीन भगवान जलंधर की असीम क्षमताओं का आभास तो हो गया है। अब दंड तो तुम्हें अवश्य भुगतना होगा। तुम्हारे दुस्साहस का, मुझे प्रतीक्षा करवाने का, मुझे चुनौती देने का, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर को परिणाम तो भुगतना ही होगा। किंतु यदि तुम मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओ, मुझसे क्षमा मांग लो, तो तुम्हारा दंड अवश्य कम हो जाएगा। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, दयालु भी हूं। अब जलंधर का दुस्साहस, उसकी इस उद्दंडता के बाद उसे दंडित होने से कोई नहीं रोक सकता। अंत कीजिए शिव का बल श्रेष्ठ, तभी मेरी चिंता का भी अंत होगा। किस प्रतीक्षा में हो शिव? आओ मेरे शरणागत बन जाओ। कुबुद्धि का प्रभाव है अहंकार, और अहंकार का परिणाम है विनाश। ये शीघ्र ज्ञात होगा जलंधर को। अंतिम अवसर देता हूं तुम्हें, मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा तुम्हारी अपमानजनक पराजय से कोई नहीं बचा सकेगा तुम्हें, जिसके पश्चात समस्त संसार से तुम्हारा नाम मिट जाएगा, तुम्हारा नाम मिट जाएगा, तुम्हारा नाम मिट जाएगा। और भगवान सर्वश्रेष्ठ चंद्र की मान तस्थित होगी, और सर्वत्र गूंजेगा एक ही मंत्र, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः। मूर्ख जलंधर, भगवान को अपनी महानता प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पराजित होने वाला अपनी पराजय स्वीकार करने के स्थान पर उस पराजय को अपनी विजय मानने का दिखावा करता है। नारायण ने तुम्हें पराजित किया, देवी काली ने बार बार तुम्हें प्रताड़ित किया, किंतु अहंकारवश तुम अपने आप को विजय घोषित करते रहे। यह सत्य नहीं है, तुम्हारे अहंकार से उत्पन्न तुम्हारा भ्रम है। ये तुम अपनी महानता नहीं जलंधर, तुम मेरे हाथों मृत्यु पाकर एकमात्र यही प्रमाणित कर सकते हो कि जिसका जन्म होता है उसका अंत अवश्य होता है। अच्छा, तो जलंधर का अंत करोगे तुम? लो संभालो मेरा आवाज।
शक्तिशाली तो है ये शिव, वो चिट्ठी गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी, इसका क्रोध प्रकाश बनकर समस्त आकाश में छा रहा है। प्रिय बलश्रेष्ठ, सावधान रहिएगा। अब जलंधर के अंत का समय आ गया है। हाँ गणेश, पिताश्री का परशु तो कोई नहीं रोक सकता, फिर जलंधर ये करने में कैसे सक्षम हुआ, कैसे संभव है ये? अभी देखते हैं शिव, अब इस युद्ध में कौन किसको पाठ सिखाता है, कौन किसका अंत निश्चित करता है। अभी क्या अभी सावधान शिव, अब भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर के वार का सामना करो। लो शिव, मैंने तुम्हारा परशु तुम्हें लौटा दिया, अब वही तुम्हारा अंत करेगा। मूर्ख जलंधर अपने अहंकार में अपना विवेक खो बैठा है, अब इसका संहार आवश्यक है। बड़ी सरलता से परशु को नियंत्रित कर लिया इसने, हैं? अब क्या करने जा रहा है ये? दया करना मेरा कर्तव्य है, तो दुष्ट को दंड देना भी मेरा ही दायित्व है। अब ये क्या कर रहा है? और में तो एक ही परशु था, अब ये अनेक कैसे हो गए? ये असंख्य परशु आ रहे हैं मेरी ओर। इन्हें तो रोकने का कोई उपाय भी नहीं है मेरे पास, अब क्या करूं मैं?
समक्ष आए तो उनके हाथों से तुम्हारा अंत होगा। जलंधर जैसे असुर का यही उचित दंड है। अंत हुआ इस दुष्ट जलंधर का, संकट टल चुका है, सृष्टि अब सुरक्षित हुई। महादेव ने अपने एक ही प्रहार से जलंधर का अंत कर दिया। पिताश्री का क्रोध जागृत करने के बाद तो जलंधर का अंत निश्चित ही था। जो हुआ उचित ही हुआ, जलंधर पिताश्री के परशु प्रहार से आहत हुआ। दंभ सदा धूल धूसरित ही होता है, यही उसकी नियति है। स्वामी देखिए महादेव ने कैसे अंत कर दिया जलंधर का, और किसी अन्य का कोई अहित भी नहीं हुआ। युद्ध करूंगा, अवश्य करूंगा, पराजित करूंगा तुम्हें शिव, अपराजेय हूं मैं। नहीं श्रेष्ठ, आप ऐसा कदापि नहीं करेंगे। शिव से युद्ध नहीं करेंगे आप। आप कैलाश जाकर महादेव के समक्ष नहीं जा सकते, मुझे भय है कि आपको कैलाश पर नहीं जाना चाहिए था स्वामी। ये आपने क्या कर दिया बलश्रेष्ठ? आपने असुर गुरु को दिया हुआ वचन क्यों भंग कर दिया बलश्रेष्ठ? उस शिव ने क्या कर दिया मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ को? पाप कितना भी बढ़ जाए, पापी कितना भी शक्तिशाली हो जाए, उसका अंत अवश्य होता है। जलंधर का यह भयंकर अंत भी इसी का प्रमाण है। जलंधर का स्वर, मेरे बाल श्रेष्ठ, उनका स्वर सुना मैंने, वो जीवित है। ये कैसे संभव है? पिताश्री जलंधर का वध कर सकते हैं, तो उनके प्रहार के बाद भी ये जीवित कैसे है? सुनो शिव, मैं क्या विचार कर रहा था ना, मुझे लगा मैंने सभी परशु हटा दिए, किंतु एक विशेष एक रह गया। चलो कोई बात नहीं, क्या तुम्हें क्या कह रहा था, देवताओं को तो उनके दायित्व सौंप दिए मैंने, किंतु तुम्हें दायित्व सौंपना अभी शेष है। तुम्हारे सभी नियमों को वैसे भी उलट ही रहा हूं मैं, इसलिए मेरे विचार से तुम्हें पाताल लोक जाना चाहिए। बात निवास कर लिया कैलाश में, पाताल जाओ, उसकी देख रेख करो। ये बोलता क्यों नहीं है, जब देखो मुस्कुराता रहता है। ये आदेश है तुम्हारे भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का, सर्वश्रेष्ठ जलंधर, सर्वश्रेष्ठ जलंधर का। बोलो जैसी आज्ञा प्रभु। बोलो उचित है प्रभु। जलंधर विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि मेरे। हे
तुम्हें बहुत अवसर दे चुका हूँ मैं मुझे भगवान स्वीकार करने के लिए, किंतु अब बहुत हुआ, अब तुम मेरे क्रोध का सामना करोगे। अब महादेव अवश्य इस पापी का अंत करेंगे। महादेव का क्रोध चरम पर है, इसका प्रभाव सृष्टि के अन्य प्राणियों पर भी हो सकता है।